हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश आह्वान पर जालौर जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट के नेतृत्व में शुक्रवार को कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया तथा जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट ने बताया कि प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत शुक्रवार को भी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया तथा दोपहर में कलेक्टर के समक्ष एकत्रित होकर राज्य सरकार की वादा खिलाफी के संग रोष व्यक्त किया। वह सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मंत्रालय कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट बीएल कोठारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान काफी संख्या में मंत्रालय कर्मचारी मौजूद थे। महासंघ के आह्वान पर हमारी 3 सूत्री मांग है, ग्रेड पे 3700, वेतन कटौती जो कनिष्ठ की गई है वो वापस ली जावे और सचिवालय के समान वेतन भत्ते और पंचायती राज कार्मिकों के जो पद है ना उनको बढ़ाया जाए और उनकी स्वीकृति जारी की जाए। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारी पेंडम हड़ताल है, कोई भी कार्मिक सीट पे नहीं बैठेगा और कार्यालय के बाहर ही बैठेगा। हमने बार बार सरकार को मांगे की गई थी लेकिन हमारी मांगे अभी तक किसी प्रकार से स्वीकृत नहीं की जा रही है। उल्टा हमारा वेतन काटा गया है जो हमें बहुत ही विद्रोह है, हमें रोष है, असंतोष है। हम लोग मजबूर होकर के और पुनः ज्ञापन पेश कर रहे हैं और अगर हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।